हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। फ्रेंड्स तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बारिश हो रहा है, मौसम एकदम अच्छा बना है। देखिए एकदम मधुर मधुर बारिश हो रही है धीरे धीरे। और अपना कंक्रीटिंग का काम बंद था, देखिए अब हिलती मशीन वशीन सब चल रहा है, अब जल्दी अपना चालू हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नीचे उतरते हैं, यहाँ पर देखिए हैं, नहीं तो यहाँ से मोबाइल भी गिर सकता है, तो गिरेगा फूट जाएगा और बारिश की वजह से मोबाइल खराब हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स हाँ तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरा बारिश हो गया है, पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया है चारों तरफ। और देखिए पूरा मशीन जितने वर्कर हैं सब छिपे हुए हैं बारिश की वजह से, जैसे ही बारिश बंद होगा फिर से अपना काम चालू हो जाएगा। इधर देखिए पूरा एकदम कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। और उधर देखिए वो ढलैया वाला मशीन है, देख रहे हैं पाइप के माध्यम से कितना बड़ा मशीन है। कम से कम 4 मंजिल अगर मकान रहेगा तो इससे ढलैया हो सकता है आराम से, पाइप के माध्यम से। वहाँ पे मिलर लगा हुआ है, मिलर उसमें डालेगा और वो पाइप के माध्यम से उसमें जाएगा, पिलर उलर पूरा ढलैया करता है। देखिए फ्रेंड्स और अभी हमको जाना है, देखिए जैसे ही बारिश बंद होगी जाना है हमको स्टोर से लाना है, हैंड ग्लव्स लाना है। और एक देखिए यहाँ पे वेल्डिंग रॉड का सॉकेट होता है ये लाना है। और देखिए वहाँ पर गाड़ी खड़ी है अपनी कैंपर, उसी से जाना है क्योंकि भाई बरसात हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है चारों तरफ, जा नहीं सकते और तुरंत हमको सामान लाना है, इसीलिए अपना कैंपर वहाँ खड़ा है, कैंपर से चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए मौसम कितना अच्छा, लेकिन थोड़ा सा और बरसात हो जाता तो मज़ा आ जाता है क्योंकि इतना उमस था, लेकिन अब पूरा एकदम ठंडा हो गया है मौसम। लेकिन थोड़ा सा 1-2 घंटे लगातार बारिश हो जाता तो मौसम एकदम सुहाना हो जाता फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं स्टोर, मेन स्टोर जो कन्वर्क है, वहाँ से सामान वामान ला कर खुद आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली अपना गाड़ी में बैठ चुके हैं और इसी रास्ते से जाना है, देखिए पूरा एकदम कीचड़ हो रखा है। चलिए चलते हैं गाड़ी से, दिखा रहे हैं पूरा फैक्ट्री का सीन आप लोगों को, पूरा नज़ारा। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए स्टोर के पास हम लोग आ चुके हैं, तो अपना कन्वर्क स्टोर, चले सामान वामान इशू करवाए आप लोग उसमें। हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए अपने कूलिंग टावर के पास हम लोग आ चुके हैं, देख देखिए कूलिंग टावर पानी गिर रहा है। और हमको तो सामान अभी ऑक्सीजन सिलेंडर और सिलेंडर कुछ मिला नहीं है, देखिए केवल ये सॉकेट मिला है जो कि गैस वेल्डिंग में काम आता है। और देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमको लेना था, लेकिन जो गाड़ी का ड्राइवर था गाड़ी लेकर साथ कहीं काम से चला गया तो लेट होता, उसको बोला था सर 45 मिनट लगेगा हमको, 45 मिनट 1 घंटा। तो हम बोले ठीक है भाई तब तक चलते हैं अपना जो वहाँ पे काम होगा काम निपटा लेंगे, अगर फ़ोन करेगा तो जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी पर लोड कर लाएगा अकेले ही। चलिए फ्रेंड्स स्टोर के पास चलते हैं। और ये देखिए मौसम भी एकदम सुहाना बना हुआ है, और ये देखिए कूलिंग टावर से एकदम झरना जैसे पानी गिर रहा, एकदम झरने जैसा यहाँ पे फीलिंग आता है। चलिए फ्रेंड स्टोर के पास पहुँच कर आप लोगों को मिलते हैं फिर। देखो भाई यहाँ से अपने चिमनी की हाइट एकदम आईफेल टावर लग रही है, जैसे बुर्ज खलीफा हो,
देखिए इसकी हाइट, वो भाई उसने टॉप से समझ जाइए काम हो रहा है। ये देखिए नीचे, और ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है और पूरा कीचड़ से सामना करना पड़ेगा, इतना कीचड़ है यहाँ पर। अभी तो ये पक्का पूरा आरसीसी का है, लेकिन वहाँ जो ट्रेन खड़ी है वहाँ पे जाएंगे तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा। चलिए तो फ्रेंड्स दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए भाइयों, अब यहाँ से शुरू होता है अपना सफ़र। ये देखिए नाली डाकने के बाद पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। ओ भाई, ओ हो बचा कर एकदम, देखिए पूरा कीचड़ है कीचड़। पैर स्लिप हुआ तो गड्ढे में गए। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली अपना स्टोर पे आकर यहाँ पे काम था हमको। अब आ गए हैं मेन स्टोर कन्वर के। देखिए यहाँ पेड़ के पास बैठे हैं, यहाँ पे छाया भी है। ये छाया हमको धूप से भी बचाता है और बारिश से भी हल्का हल्का बचाता है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होगा तो ये संभाल नहीं पाता है, तब हमको मेन स्टोर में जाकर छिपना ही पड़ता है फ्रेंड्स। और ये देखिए अपने लिए हम एक ये लिए हैं, रेनी कोट है। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है और कंपनी में यहाँ पे लाइट जल रहा है, इसलिए अंधेरा का रात का भी पता नहीं चलता। देख रहे हैं हल्का हल्का यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स तो चलिए आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, धन्यवाद, जय हिंद।